देखा जाए कि यहाँ पे संवाद एक दूसरे से होता है या नहीं होता, पता नहीं आपके मन आप लोगों की बातचीत होती होगी, लेकिन जिस तरह से सावरकर के मुद्दे को लेकर आप कांग्रेस से मौजूदा उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी का सबब बना हुआ, खास करके वोट बैंक को या उनके सहयोगी नेताओं के, क्या राहुल गांधी की उद्धव ठाकरे जी से बात हुई इस मामले में, क्या उन्होंने इस पे लेकर किसी तरह की कोई एक बाकायदा कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है। आप यहाँ से मैडम ने दरार बोला, आप बोले परेशानी, ऐसा कुछ नहीं है। ये संवाद और ये चर्चा है जो होती रहनी चाहिए, बड़ी स्वस्थ है। संवाद सार्वजनिक हो रहा है, आप लोग भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं। विचारधाराओं का आपस का संवाद है, व्यक्तियों को छोड़ दीजिए। व्यक्तियों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण विचारधाराएं होती है। व्यक्ति आते हैं जाते हैं, लेकिन विचारधारा चलती रहती है और उसमें जूझ जो द्वंद्व है वो भी चलता रहता है, चर्चा भी चलती रहती है, संवाद भी चलता रहता है। आप उसको विवाद की परिभाषा देना चाहते हैं वो आप जाने, लेकिन विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है, विचारधाराओं के बीच में कम्युनिकेशन आज से नहीं हो रहा, 70 साल से हो रहा है, 100 साल से हो रहा है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का भी सफर लंबा चला था और महाराष्ट्र में जब यात्रा थी काफी भी राहुल गांधी जी ने सावरकर के बारे में स्टेटमेंट दिया था। मैं फिर कह रहा हूँ तो विचारधाराओं का आपस का संवाद 100 साल से चल रहा है, तो चलने दीजिए ना, इसमें आप क्यों बीच में आ रहे हैं, मैं क्यों बीच में आ रहा हूँ, चलने दीजिए। इट विल नेवर, आई कैन अश्योर यू, इट वोंट हैम्पर यूनिटी विच इज इम्पॉर्टेंट इन द लार्जर गुड फॉर द लार्जर पर्पज। वी हैव शोन इट टू द पीपल ऑफ महाराष्ट्र एंड द पीपल ऑफ दिस कंट्री, सो बी अश्योर्ड नथिंग विल कम इन द वे टू एंश्योर द आउस्टर ऑफ मिस्टर अडानी मिस्टर मोदी गवर्नमेंट। मैंने भी आपसे ही सुना है, तो जब तक इसको मैं स्टडी नहीं करूं उस पर टिप्पणी नहीं करूं। पवन जी, रामनवमी की बात करें तो बीजेपी हो सब ठाकरे हो या राष्ट्रवादी, सब इसको बहुत भव्य तौर पर मना रहे हैं, आगामी चुनाव के तौर पर इसको देखा जा रहा है। कांग्रेस रामनवमी पर महाराष्ट्र में खासतौर पर क्या तैयारियां कर रही है? मुझे लगता है महाराष्ट्र के नेता बोलेंगे उस पर ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो मुझे नहीं मालूम क्या तैयारियां हैं। अयोध्या के लिए लकड़ियां जा रही है महाराष्ट्र से। आपको जानकारी होगी लोकतंत्र वाकई हिंदुस्तान में आखिरी सांसें गिन रहा है, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन उतना ही भरोसा इस देश के लोगों पर है कि वो लोकतंत्र को जीवित रखेंगे, ना केवल जीवित रखेंगे, जो लोग लोकतंत्र को का गला घोट रहे हैं उनको माकूल जवाब भी इस देश की जनता देना जानती है, इतिहास गवाह है। We absolutely disagreed with him there and then. We absolutely, no, we have, he has a right to say what he has to, but we disagreed with him and that was a track two diplomacy. Track two diplomacy mein RSS people also went. Mr. Ved Pratap Vedic, who just passed away this month, he was there. He not only went there, he went and met Hafiz Saeed. We did not oppose that. So, trying to make an issue out of this, who is Manishankar Iyer? He is not a Prime Minister of India. We are in the opposition. But the Prime Minister of India, the government of India, getting ISI to a defense establishment is far more serious than these remarks of a track to diplomacy. हिंदुस्तान का दुनिया का सबसे बेहतरीन टिकुण जो है कड़वा है, जनरल मिलता है, किसी हिस्ट्री को आविष्कार को बताया, अंग्रेजों ने भी उसी लिए उसके लिए ट्राइपॉड बनाया, टोल ट्री इंजन दो उड़े टिकुण हमारे विदर्भ से जा रहा, हमारे घर से जा रहा है, इसका इसकी हमें बहुत खुशी है। और जहाँ तक रामनवमी की बात है, ये बेवजह बदनामी की जाती है, आपको मैं बताता हूँ, नागपुर में पोद्दारेश्वर राम मंदिर है जिसकी 100 साल से भी ज्यादा बड़ी हिस्ट्री है रामनवमी मनाने की, और उसकी रस्सी जो है, वो रथ की रस्सी जो है, सामने मोमिनपुरा है, यहाँ अयोध्या का मंदिर है, उदयेश्वर राम मंदिर,
वो सब मिलके खींचते हैं, तो वहाँ पर सभी पार्टी के लोग जो है वो शामिल होते हैं। ऐसा नहीं होगा हम ही शामिल होते हैं, हम ही शामिल होते हैं। क्या पता पर कैसा एक उतिया बिंदु है कि हम दिखते नहीं। हंसी आई, बहुत तेज हंसी आई, और जब मैं हंस रहा था उस वक्त पुलिस वाले मुझे बस में बैठा रहे थे, क्योंकि कल हम सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, तो वो मुझसे पूछ रहे थे क्यों हंस रहे हो, हमने तो कोई गुदगुली नहीं किया, आप तो हंस क्यों रहे हो। हमने कहा मैंने अभी मोबाइल पे देखा प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पे हमें कुछ बोल रहे हैं, खुद जेपीसी से बचते हुए घूम रहे हैं, संसद नहीं चलने दे रहे। हम तो प्रधानमंत्री को एक सलाह भी देना चाहते हैं, हो सकता है आप पर कोई दबाव हो, दोस्तों का दबाव होता है, हम सब पर होता है दोस्तों का दबाव, बचपन में जिसके साथ बड़े हुए हों, हो जाता है कई बार। अगर आप पर दबाव है, कोई आपको परेशान कर रहा हो, वो गौतम भाई परेशान कर रहे हो, कोई और कर रहा हो, हमें बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी परेशानी कम कर देंगे। आप इंक्वायरी करा दीजिए ना, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, चुने हुए प्रधानमंत्री, 303 सीटें हैं, 56 इंच का सीना है, आप में क्या कमी है, डर क्यों रहे हो, दब क्यों रहे हो दोस्त से। हम प्रधानमंत्री को पूरा समर्थन देंगे, अगर उस दबाव से वो निकलना चाहते हैं हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। इंक्वायरी तो करिए, जेपीसी तो बैठाइए। तो भ्रष्टाचार पे भाषण अब प्रधानमंत्री के मुंह पर शोभा नहीं देता, माफ कीजिए। किसका? हाँ, देश के लिए। अब जो घटनाक्रम कांग्रेस और राहुल गांधी के प्रत्यक्ष में चल रहा है, आप उनके बयान को किस तरीके से देखेंगे, या आप भी इन टाइम पर सोचते हैं? मैं उद्धव ठाकरे जी से 100% सहमत हूँ। जिस तरह से, जिस दिशा में लोकतंत्र को ले जाया जा रहा है, लोकतंत्र वाकई हिंदुस्तान में आखिरी सांसें गिन रहा है, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन उतना ही भरोसा इस देश के लोगों पर है कि वो लोकतंत्र। डिस्क्वालिफिकेशन लॉ, देयर वाज एन एमपी फ्रॉम बांदा गॉट 3 years, स्टिल नॉट डिस्क्वालिफाइड, सो व्हाई इज इट सिलेक्टेड? महाराष्ट्र, yeah, he has another example from Maharashtra. So why, there are some examples from Gujarat also. Why selective application of that law is our question. Never mind. We are ready to fight. We are ready to face. In fact, on the roads, Rahul Gandhi will be far more dangerous for him and his friends than he was in the parliament, because they never allowed the parliament to function. As far as, I never accused of BJP supporting Gautam Adani. आपने तो बड़ा हल्का कर दिया मेरे चार्ज को। आई एम सेइंग द प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग फॉर गौतम अदानी। सपोर्टिंग समवन एंड वर्किंग फॉर समवन इज एब्सोल्युटली, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। एंटायर मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग इज वर्किंग फॉर गौतम अदानी, इज डिफेंडिंग गौतम अदानी, दैट्स आवर चार्ज। वेट वेट, आई एम कमिंग टू दैट, आई हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन, आई एम कमिंग टू दैट आल्सो। सो इफ आई क्वेश्चन गौतम अदानी और राहुल गांधी अटैक्स गौतम अदानी बिजनेस एम्पायर एंड डीलिंग्स ऑफ गौतम अदानी, गेस हु कम्स आउट टू रिस्पॉन्ड? आइदर अ मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रविशंकर प्रसाद। व्हाई आर यू स्पीकिंग फॉर गौतम अदानी? दैट्स व्हाट वी वांट यू टू टेल अस। एज फार एज कॉन्ट्रैक्ट्स गिवन टू गौतम अदानी इन राजस्थान आर कंसर्न्ड और एनी अदर स्टेट आर कंसर्न्ड, यू वांट एन इंक्वायरी, डू एन इंक्वायरी। Has Mr. Gehlot, today as we speak, Mr. Gehlot is addressing a similar press conference in Ahmedabad. We are not against corporates. We are against monopolies. We are against the Prime Minister, accompanied by Gautam Adani, accompanied by State Bank of India chairperson, immediately sanctioning a $1 billion loan. We are against crony capitalism. There is a huge difference. After all, builders of modern India, most of them from Mumbai, can their role be undermined? Would it have been possible if the Congress governments were against corporates and against private players? What we are against is, you hand over the keys of the government to one corporate. Sorry, we are against that. Pehle raid hoti hai kisi agency ki, phir Gautam bhai khareed lete hain. Wo NDTV ho, वो मुंबई एयरपोर्ट हो, वो कृष्णापट्टनम पोर्ट हो, वो क्विंट, कोई आप नाम ले लीजिए जहां पहले एजेंसी जाती है,
मैं पिछली बार भी मुंबई वाले ऑफिस में बोल के गया था, वो वीआईपी मूवमेंट होती ना, पहले की डील की हो तो आप मुझे बताइए, इंक्वायरी करवाने में ले तो साहब बैठे ही हैं, सीबीआई उन्हीं की, ईडी उन्हीं की, करवा दीजिए। राहुल जी के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर पहली बार पूरा विपक्ष एक साथ नजर आया, टीएमसी साल भर बाद आपके साथ नजर आया। अखिलेश यादव ने जो कहा है कि आप कांग्रेस की जिम्मेदारी के रीजनल पार्टी के अहमियत को समझते हुए अहम भूमिका निभाई, तो क्या यहाँ से आप रीजनल पार्टी को उनका जो जो उनको जो डिजर्व करते हैं वो देते हुए सबको साथ लाने की कोशिश करेंगे? देखिए रीजनल पार्टीज कुछ रीजन्स में दे हैव काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनका स्थान है। कांग्रेस पार्टी कभी किसी पार्टी के खिलाफ, हमारे यहाँ से किसी ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जो कि भारतीय जनता पार्टी से आया कि अगले 5 साल में कोई प्रादेशिक पार्टी बचेगी ही नहीं, इस तरह की टिप्पणी आपने कभी कांग्रेस के किसी नेता से नहीं सुनी होगी, ना हम इस तरह की बातों में विश्वास करते। रही बात 24 में किसको कितनी सीटों पर क्या होगा, अभी 24 में समय है, चर्चाएं कुछ हमेशा चलती रहती हैं, कुछ सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं, कुछ आपको नहीं सुनाई देती, नहीं दिखाई देती, लेकिन प्रक्रियाएं चल रही होती, सही वक्त पे उन प्रक्रियाओं के बारे में आपसे चर्चा भी करेंगे। और राहुल जी वो वहां मिले, मैं यहाँ हूँ, इतना महत्वपूर्ण जेपीसी की मांग, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा कि राहुल जी की सदस्यता खत्म हो गई, घर से उनको बाहर कर दिया गया, और भी गम है मोहब्बत जमाने में मोहब्बत के सिवा। बिल्कुल भी नहीं, राहुल गांधी अडिग है अपनी बात पर। सिर्फ अदानी का नाम लेना मतलब नहीं कि हम सिर्फ अदानी की बात कर रहे हैं, अदानी का नाम लेकर जो अदानी का स्कैम है उन सब के पीछे बेरोजगारी के जवाब छिपे हुए हैं, महंगाई के जवाब छिपे हुए हैं, एक ऐसी सरकार के कारनामे दिखते हैं जो 9 साल से सत्ता में है, लोगों से वोट लेकर आई है, लेकिन काम अपने दोस्तों के लिए कर रही है। लेकिन जिस तरह से सावरकर के मुद्दे को लेकर आप कांग्रेस से भूमिका उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी का सबब बना हुआ, खास करके वोट बैंक को या उनके सहयोगी नेताओं से, क्या राहुल गांधी की उद्धव ठाकरे जी से बात हुई इस मामले में, क्या उन्होंने इस पे लेकर किसी तरह की कोई बाकायदा कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है? आप